कि आप गांव से जुड़े हैं, इसलिए आपका जो संदेश हमारे थ्रू लोगों तक जाएगा उसका असर बहुत होता है। इसलिए आप लोगों को सेवक जो मिलता है उसका मैं हमेशा धन्यवादी हूँ। आपने देखा होगा कि कई कार्यक्रम में हम आप लोगों को भी हमने सेवक लिया और बहुत अच्छा रहा। और आज मैं आपका सबका है यहाँ विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में आप शॉर्ट नोटिस पे आए हैं, तो मैं बहुत धन्यवाद हूँ। हमेशा हम जो है एक पर्यावरण के लिए हर साल कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते हैं। शायद आप लोगों को याद होगा कि पिछले साल हमने एक अभियान चलाया था जब ये फल लगाओ फसल बचाओ, मुझे लगता है प्रधान लोग हैं कुछ है, आप उससे एसोसिएट हुए होंगे। उसका ये आइडिया था कि जैसे जंगल से जानवर जो है आपके खेतों तक ना पहुँचे, तो उनको जो चाहिए फल फ्रूट जो ताकि जंगल में उगाए उसमें सफल हो गया। तो इस बार जो हमारा ये अभियान है ये पर्यावरण को बचाने के लिए है, क्योंकि पर्यावरण का संतुलन जो है एक आपकी जो जिंदगी का संतुलन है उससे संबंध रखता है। जब स्वस्थ वातावरण होगा आपके आसपास, आपका स्वस्थ शरीर होगा, आपके हमारे जो आगे बच्चे हैं वो एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं, उनकी सेहत अच्छी रहेगी। और जैसे राहुल जी ने बताया, ये हमारा मौलिक कर्तव्य भी है कि जो आसपास का जो वातावरण है इसको स्वस्थ और इसको साफ रखना, नदी नाले जो लेक्स हैं, कई बड़े बड़े फार हैं, पेड़ हैं, इसके प्रति हमारे को एक संवेदना होनी चाहिए और इसको हमने प्रोटेक्ट करना है, किस तरह बचाव सुरक्षित रखना है, ये हमारा सबका एक मौलिक कर्तव्य बनता है। और इसके आधार पर हमने ये अभियान चलाया, क्योंकि तरह तरह से और दूसरी जगहों से इस तरह की बातें संज्ञान में आ रही थी कि भी हर जगह जो है कूड़े के ढेर मिल रहे हैं। तो हमने सब प्रथम एक पहले जो एक इनिशिएटिव लिया, जो एक फर्स्ट फेज जिसको हम कहेंगे, इसमें हमने एमसी नगर परिषद या नगर पंचायत के लोगों को साथ लिया और एक हफ्ते से ये अभियान चला हुआ है। इसमें हमने देखा कि बहुत से रूप मिल रहा है। अभी तक हमने जो है कम से कम 15 जो टन कूड़ा जो है पूरे हिमाचल से सिर्फ जो सफाई कर्मचारी जो नगर परिषद में स्थानीय इकाई में सिविक बॉडीज में एम्प्लॉयड है उन्होंने उठा लिया है और देखिए कितनी बड़ी प्रोग्रेस है। अब जो सेकंड जो फेज होगा ये हमारा भी 1 तारीख से चलेगा, जिसमें आप लोग जैसे पंचायत के सदस्य हैं और महिला मंडल युवक मंडल है या और कोई स्थानीय एनजीओज हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको हम साथ ले रहे हैं। उसे एक ऐसा संदेश जाएगा कि आपके आसपास का जो वातावरण है सुरक्षित होगा और साफ सफाई होगी। हमने सबसे ये अनुरोध किया कि 5 तारीख को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे आप सब इकट्ठे हों और ऐसा अभियान चलाएं कि सर्वप्रथम जैसे पंचायत का आपका पंचायत भवन है उसकी सफाई करो। मुझे लगता है वहाँ देखा होगा आपने कि उसके आसपास भी आपको इस तरह का कूड़ा उसकी सफाई कीजिए। महिला मंडल भवन है उसकी सफाई कीजिए। गांव में आपकी कोई गली है उसमें कोई चीज पड़ी है, आप आपका कोई कुआं है पानी का सोर्स है उसको बावड़ी है, इस तरह की जो चीजें वहाँ आपके या टेम्पल है आपके या आंगनवाड़ी, देखो आंगनवाड़ी जो स्थान है वहाँ आपके बच्चे छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, उसको सबसे सुरक्षित और उसमें सैनिटेशन का सबसे बड़ा महत्व है उसका। बेशक आप अपने बच्चे को वहाँ भेजते लेकिन वहाँ पर सफाई हमेशा देखते हैं कि भाई इतने लेवल की नहीं होती। इसलिए ऐसे ऐसे स्थानों में जो है अगर आप जागरूक लोगों को करेंगे आप खुद, मुझे लगता है देखिए जो स्थानीय इकाई के लोग हैं, सिविक बॉडीज है, पंचायत है, आप लोगों के पास एडमिनिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर पर जो एडमिनिस्ट्रेशन उसकी बागडोर आपके पास है और बागडोर आपके पास आप यहीं से सारा कुछ है, ऊपर से पॉलिसीज आती है इम्प्लीमेंट ग्रामीण स्तर पर होती है। आप देखिए छोटी भी कोई किसी के लिए भी कोई वेलफेयर स्कीम की अगर कोई पॉलिसी आती है तो आप प्रधान के रेजोल्यूशन के बगैर में कोई डीसी कोई पैसा नहीं दे सकता। तो आपको जो एक पावर दे जो संविधान ने दे रखी है बाद में इसमें तरमीम हुई तो उसमें आप लोग ये देखिए कि आपको कितनी बड़ी पावर दे रखी है। वो इसलिए कि स्थानीय समस्याएँ जो हैं आप उससे अवगत होते हैं, उसको किस तरीके से आपने आगे तक सक्षम अधिकारी तक पहुँचाना है वो आपका सबसे बड़ा एक दायित्व है। और हम मैं आपको कहूँ कि जो लीगल एड, ये लीगल सर्विसेज क्या चीज़ है,
आपने इसके बारे में कभी सोचा होगा कि भी आप इसमें किस तरह के आयाम है, क्या क्या चीज आप कर सकते हैं? एक आम लोगों को तो ये लगता है कि शायद कोर्ट में जो केस है शायद उसके लिए लीगल सर्विसेज दम देते हैं, ऐसा नहीं। अगर सरकार की कोई पॉलिसी है, पब्लिक वेलफेयर पॉलिसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, लोग के कोई आपके इर्द गिर्द आपको लगता है कि मानसिक रोगी है, तो आप सोचेंगे आपने करना क्या है। तो ऐसे लोगों को लिए स्थानीय जज जो है हमारे हैं, पीआरवीज हैं हमारे, हमने कई जगह गांव में जो है विलेज लीगल केयर